आज ओडिशा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल मीटिंग ए मीटिंग रे आज अनेक सब्जेक्ट उपरे डिस्कशन होइछि। आमर प्रथम लक्ष्य होउछि जे हायर एजुकेशन काउंसिल को स्ट्रेंथन करा जाउछि, काहेकि ना एजुकेशनल मैटर उपरे से माने बहुत काम करिवार अछि एवं करुछन्ति, जा फलरे कि आमे सिस्टम को स्ट्रेंथन करि परिबु। आमर ए भितरे मॉडल सिलेबस करा जाइछि, कॉमन पीजी एंट्रेंस एवं एडमिशन कथा मध्ये गत वर्ष स्टार्ट करा जाइछि। ओरिपरे आमे जूनियर रिसर्च फेलोस नौछु जो थे सीड मनी दिया जाउछि से मानकु रिसर्चर मानकु, एवं एग्जामिनेशन एवं सिलेबस रिफॉर्म मध्ये करा जाउछि। ए सब अचीवमेंट हेला परे आमर जो नाक आउ एनआरएफ नाक एक्रेडिटेशन जो हुए एवं नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क से केमिति आम यूनिवर्सिटी माने कॉलेज माने भल प्रदर्शन करेंगे से काउंसिल सपोर्ट जोगे दूची निरंतर भाव में सपोर्ट जोगे देवाई निष्पत्ति है। तापर एकेडमिक ऑडिट कथा काउंसिलर दायित्व भाव में आम ग्रहण करिछु, एवं इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान गोटे रोलिंग डॉक्यूमेंट 10-15 वर्ष पे गोटे प्लानिंग करा जाउछि। तापरे आमर सिलेबस एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एटा निरंतर प्रक्रिया सेइथरे मध्यम से माने ध्यान दउछन्दी एवं ध्यान दे चालिबे। एवं सबुटारु बड़ कथा होउछि पंचम पाळीर द्वितीय वर्ष पूर्ति अवसर रे जो कैबिनेट बैठक होता मंत्रिमंडल बैठक होता मान्यवर मुख्यमंत्री निर्देश दे थे एवं रिजोल्यूशन होता कैबिनेट पारित जे डिजास्टर मैनेजमेंट को कोर्स रे अंतर्भुक्त करने धन्यवाद देवी आमर हायर एजुकेशन काउंसिल को से बहुत शीघ्र आम जो एनवायरमेंटल साइंस साथी रे डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड करी 100 मार्क रो गोटे कोर्स तैयारी करछन्दी, जहाँ कि प्लस थ्री फास्ट ईयर प्लान कंपलसरी पढ़ा जीवो। एटा आज हायर एजुकेशन काउंसिल मीटिंग रे पास करा गला।